हेलो ऑल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। दिस इज़ आदि विंग्स और ओला से रिलेटेड एक और नया टॉपिक, एक और गुड न्यूज़ कह सकते हो, क्योंकि तो कुछ एक डाउट चल रहा था उससे रिलेटेड कंफर्मेशन आया ओला के लिए। और भी बहुत सारी वीडियोस हैं रिलेटेड टू ओला, यू कैन चेक आउट माय चैनल। और गुड न्यूज़ है जो मैंने आपके यहाँ शेयर करना था, व्हाट्सएप पे ऑफिशियल ओला इलेक्ट्रिक की तरफ से आया है, जो कि है ये कह रहे हैं, हे ओला फैम, वी आर लुकिंग फॉर इंस्पायरिंग स्टोरीज टू फीचर इन योर नेक्स्ट एपिसोड। ये सॉरी अभी लेटेस्ट है, मैं इसकी बात कर रहा था। ओला S1X अ स्कूटर फॉर एवरी इंडियन, जो उनका कॉन्सेप्ट है, यही हमारा स्कूटर है, इसकी बात कर रहे हैं। और एक जो डाउट था कि भाई अपना टाइम कैसे अपडेट होगा, और इस पर कोई अपडेट नहीं आ रही थी, सब बोल रहे थे इस पर टाइम कैसे अपडेट होगा। और मैंने भी काफ़ी रिसर्च किया और ओला एक्सपीरियंस सेंटर और सर्विस सेंटर पर मुझे बताया कि इसके रिलेटेड हमारे पास कोई भी अपडेट नहीं है, और सर आपके पास आएगी अपडेट तो आ जाएगी। तो ये अपडेट है कि ये लोग हमको भी OTA अपडेट, ये बाकी वेकेशन मोड, एडवांस रीजन, फाइंड माय स्कूटर, यानी कि इसमें GPS, राइडिंग स्टेट, एनर्जी इंसाइट्स, और ये सब अपडेट दे रहे हैं जुलाई 2024। यानी कि जो ओला S1X प्लस में जो फीचर्स हैं, अनलेस अनटिल उसमें कुछ कम होंगे, क्योंकि उसमें अनलॉक लॉक वाला फीचर नहीं होगा, लेकिन आप ये देख सकते हो उसमें क्लियरली मेंशन है, वी गॉट अ सरप्राइज फॉर यू, योर ओला S1X नाउ गेट स्मार्टर, वी हैव अपग्रेडेड योर ओला S1X विद स्मार्टर कनेक्टिविटी फीचर्स फॉर फ्री। यानी कि ये फ्री में दे रहे हैं, चेक आउट ऑल द फीचर यू हैव गेट, OTA अपडेट्स, गेट आवर लेटेस्ट फीचर एंड इम्प्रूवमेंट डायरेक्टली ऑन योर S1X, वेकेशन मोड, जब ये मोड आएंगे तो इस पर फिर से डिस्कस करेंगे, क्योंकि मुझे भी देखना होगा कि क्या फीचर्स ऑफर कर रहे हैं। एडवांस रीजन, फाइंड माई स्कूटर में तो वही होता है कि आप ओला इलेक्ट्रिक ऐप में अपना GPS के थ्रू लोकेट कर पाएँ मेरा स्कूटर समय कहाँ पे है। और राइडिंग स्टेट, एनर्जी इनसाइट, यानी कि आप कैलकुलेट कर पाएंगे कि कब मैंने कितना चार्ज किया था, यानी सब डाटा रिकॉर्ड होगा स्टैटिक्स से। अभी तक जो एक सिंपल की लगा के चलाने वाला स्कूटर था, ये स्मार्टर हो गया है। हालांकि मैं तो यही सोच रहा था कि अगर ये सिंपल रहे तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन ये डिपेंडेंट नहीं है हमारे चलाने पे, क्योंकि ये स्टेट्स लॉक कर रहा है, लेकिन प्रो, S1 प्रो और एयर की तरह उस पर डिपेंडेंट नहीं है कि आप उन फीचर्स की वजह से आपका स्कूटर अनलॉक होगा और चलेगा। तो ये एक डाटा मैनेज कर सकेगा, हम अपने स्कूटर पे एनालाइज कर पाएंगे कि हमने एक साल में या एक महीने में कितनी बार चार्ज किया, बैटरी कितनी बार चार्ज और डिस्चार्ज हुई, कितनी बार हमने उसको कितने किलोमीटर राइड किया, हमारी क्या परफॉर्मेंस रही, क्या रेंज रही, ये सब अपडेट आ जाएगा। तो इसके लिए यहाँ भी एक अपडेट है, आप देख सकते हैं, ये है ओला इलेक्ट्रिक ऐप। और ये ऐप पहले मेरी जो ओला इलेक्ट्रिक है, अगर इसमें मैं आपको दिखाऊं तो ये मेरा नंबर दिख रहा है UP80, तो ये पहले अनलॉक नहीं था, यानी मैंने साइन इन तो कर रखा था लेकिन इसमें कोई भी डिटेल्स नहीं आ रही थी, और ये डिटेल्स अब आ गई हैं। और मैंने जब अनलॉक किया ये मैसेज के बाद, तो मुझको सारी डिटेल्स विजिबल हैं, और इसमें देख सकते हैं सारा यूज़र डिटेल, और भी फीचर्स हैं इसमें, मैं सपोर्ट ले सकता हूँ, ये फीचर्स आए हैं, डिस्प्ले, बॉडी पैनल पार्ट रिलेटेड, डिस्प्ले रिलेटेड, यानी ये सपोर्ट, यानी जब मैंने कंप्लेन करूँ किसी चीज़ के लिए, ये पहले यहाँ पे कुछ भी विजिबल नहीं था। और इसमें और भी फीचर्स हैं, आप व्यू चार्जर नियर बाय, इसमें आप चार्जर नियर बाय देख सकते हो, जो मुझे मैंने चेक किया तो मेरा जहाँ पे एक्सपीरियंस सेंटर है वहीं दिखा रहा है ये, हालांकि फास्ट चार्जर नहीं है, नॉर्मल चार्जर है, और वो नॉर्मल चार्जर से आप चार्ज कर सकते हो। तो ये सब फीचर्स हैं। और एक चीज़ और आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, जो कि है यहाँ पे, ये देखिए ओला S1X प्लस की अनलॉक, यानी कि उसका पासवर्ड अनलॉक, ये है हमारा स्कूटर S1X। और यहाँ देखिए फिज़िकल की अनलॉक कर दिया है, और विथ स्मार्ट कनेक्टिविटी, जब मैंने ये बाय किया था तो विथ स्मार्ट कनेक्टिविटी ऑप्शन यहाँ पे नहीं था, और ये अभी आ गया है विथ स्मार्ट कनेक्टिविटी। तो ये स्मार्ट कनेक्टिविटी की हम बात कर रहे हैं, और इनकी ऑफिशियल ऐप पे देख सकते हैं ओला की, जो कि हमें बता रही है, ये देखिए। और जो कुछ कमेंट्स आते हैं, भाई हमें सब्सिडी मिलेगी नहीं मिलेगी, या हमें कितने का पड़ेगा, तो उनके लिए भी सजेशन है कि आप सिंपली इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, ओला के ऐप में जाइए, और यहाँ पे आप उसको बाय करने के लिए
ऑप्शंस को सिलेक्ट करिए, जैसे प्रो कोई भी स्कूटर लेना चाह रहे हैं उसको सिलेक्ट करिए और आपको एस्टिमेटेड प्राइस आ जाएगी। एक्चुअली वो एग्जैक्ट प्राइस ही होगी, लेकिन आपको परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है, पेमेंट मत करिए, बस उसको देख लीजिए कि कितने का पड़ रहा है। तो यहाँ एक्सप्लोर करके आप जा सकते हैं, और यहाँ पे अगर देखो मैं एक्सप्लोर करता हूँ, ये आ गया S1X स्कूटर फॉर एवरी इंडियन, यहाँ पे आ गया विथ स्मार्ट कनेक्टिविटी। तो ये एक गुड न्यूज़ है हम लोगों के लिए। अराउंड लग रहा है अभी तो 1-2 महीने और वेट करना पड़ेगा। और इसका अपडेट कैसे होगा, जैसे ही होता है मैं आपको अपडेट करता हूँ, क्योंकि एक ब्लूटूथ से अभी मैंने ट्राई किया था, जो कि ओला इलेक्ट्रिक ऐप, ये जो ऐप है इसी पे कनेक्ट होता है ब्लूटूथ से, लेकिन मैंने ब्लूटूथ से सर्च करके इस पे कनेक्ट करने की कोशिश किया था तो वो नहीं हो रहा था, क्योंकि जब मैंने फर्स्ट टाइम खोला था तो उसमें आ रहा था नो नियर बाय स्कूटर ऐसा कुछ। मैंने सोचा एक बार ट्राई कर लूँ शायद कनेक्ट हो जाए, तो वो नहीं हो रहा था। और अभी तो ये ऑप्शन ही नहीं आ रहा है, तो आई थिंक कुछ अपडेट मिलेगा हमें, क्योंकि उनको पता है कि मेरे पास ओला S1X है। जैसे ही वो अपडेट देंगे मैं एक बार कनेक्ट करूँगा। आई थिंक जो हमारा मेन इशू था, क्योंकि दिमाग में यही था भाई कोई बटन नहीं है, कुछ नहीं है, इसका टाइम कैसे अपडेट करेंगे, तो कहीं ना कहीं था दिमाग में कि हाँ कुछ तो है जो हमको मिलेगा, या फिर कुछ है इसकी सेटिंग जो आएगी, क्योंकि कोई भी नेट पे कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं थी। तो ओला S1X जिसने ख़रीद लिया है और जो ख़रीदने वाले हैं भाई खुश हो जाओ, मज़ा आने वाला है। जो स्मार्ट फीचर हम मिस कर रहे थे, एकदम स्कूटर को बहुत सिंप्लीफाइड कर दिया था हम, बस क्योंकि हम ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं उसको तो इन्जॉय कर ही रहे हैं, अब हम इसके स्मार्ट फीचर भी यूज़ कर पाएंगे। फिर से एक बार मैसेज देख लेते हैं स्मार्ट कनेक्टिविटी में हमको क्या मिलने वाला है। सबसे अच्छा मुझे ये लगा राइड स्टेट एनर्जी इनसाइट और GPS, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं था और ना बताया था कि इसमें GPS भी है। बस एक फिंगर क्रॉस्ड हूँ कि डाउट है, हालांकि हमारे लिए मैसेज है, लेकिन बस थोड़ा सा डाउट है कि ऐसा ना हो कि हम लोगों के जो स्कूटर डिलीवर हुआ है उसमें ये फीचर ना हो और जो न्यू स्कूटर आ रहे हैं उनके लिए हो। हालांकि लास्ट में लिखा है दिस अपग्रेड विल स्टार्ट रोलिंग आउट इन जुलाई 2024, तो दिस अपग्रेड अपग्रेड लिखा है, यानी कि अपग्रेड है, ऐसा नहीं है कि बाकी मुझे एक बार और कंफर्म करूंगा मैं सोच रहा हूँ ओला केयर में कॉल करके और एक्सपीरियंस सेंटर पर कॉल करके पता करूँ कि भाई ये हम लोगों को मिलेगा कि नहीं। उसके लिए सब्सक्राइब टू माय चैनल, मैं नेक्स्ट वीडियो में अपडेट कर दूंगा, या एक शॉर्ट डाल दूंगा, या कमेंट में डिस्क्रिप्शन में अपडेट कर दूंगा, तो आपको अपडेट हो जाएगा जैसे ही मुझे कंफर्म होता है कि ये जिनको ऑलरेडी डिलीवरी मिल गई है उनके लिए है कि नहीं। अब मुझे कमेंट डाउन कि आपके लिए फ़ीचर अच्छा है कि नहीं, क्योंकि कुछ कमेंट्स ज़रूर आएंगे कि भाई सिंप्लीफाइड रहता तो ही अच्छा था, कुछ ग्लिच आए, यानी कि कुछ अगर आपके पास एडवांस फीचर आते हैं उसमें कुछ इशू होता है उसके पर, जैसे आपका ओला अटक सकता है कहीं रास्ते में, तो मैं उसको क्लियर कर दूं कि हमारी कोई भी डिपेंडेंसी नहीं है, क्योंकि जो प्रीवियस एयर और प्रो हैं उनकी डिपेंडेंसी है। डिपेंडेंसी मतलब अगर उसका कुछ एरर हो जाए, हैंग हो जाए, तो वो स्कूटर अटक जाएगा। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ पे कोई भी ऐसा फीचर नहीं है जिसकी वजह से स्कूटर राइड हो रहा है या डिपेंडेंसी है। हालांकि कुछ हो सकता है कि भाई ये काम ना करे, फाइंड माई स्कूटर, ये सब ऐप की फंक्शनैलिटी हैं जो कि एक बार सिंक होगा हमारा स्कूटर और हमें सारी अपडेट मिल जाएंगी। तो वेट करते हैं, तो थैंक यू टू वॉच माई दिस वीडियो, और कमेंट करिए कितना एक्साइटेड हैं आप इस चीज़ के लिए, और मैं भी इस पर और अपडेट करता हूँ आप लोगों को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून, सब्सक्राइब टू माई चैनल अगेन, एंड कैसा लगा वीडियो ये ज़रूर बताओ यार, बहुत मोटिवेशन मिलता है जब पता चलता है आप लोगों को पसंद आ रहा है, तो और भी वीडियो बनाते हैं। नेक्स्ट वीडियो मैं जल्दी लाने वाला हूँ जो कि होगी आपकी ओला से हिस्ट्री रिलेटेड, क्योंकि उसका टॉपिक मैंने ये चूज़ किया कि भाई जो लेना चाह रहे हैं थोड़ा सा हिस्ट्री और जान जाए ना, तो थोड़ा सा और अटैचमेंट और इंटरेस्ट जग जाता है स्कूटर के लिए, कि हम कंपैरेटिवली हम ओला की तरफ क्यों जाएं। हालांकि कोई भी स्कूटर लो तो थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेनी चाहिए कंपनी की, क्योंकि कुछ नए नाम हैं जैसे TVS हो गई, महिंद्रा हो गई, TVS IQ आ रही है, बजाज आ रही है, तो इनके ऑलरेडी नाम है, लेकिन ओला इलेक्ट्रिक इज़ द न्यू इन द मार्केट, सो हमें पता होना चाहिए कि ये कैसे लॉन्च हुआ, क्या है और कब तक चलेगा। सो थैंक यू अगेन, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।